हमारे देश के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे, अब इस पर जबरदस्त मंथन चल रहा है, चर्चा चल रही है। विपक्ष जो है वो लामबंद हो रहा है, ममता बनर्जी जबरदस्त कोशिश कर रही हैं और ममता बनर्जी के प्रयास क्या सफल होंगे, क्या ममता बनर्जी पूरे विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि शरद पवार ने तो मना कर दिया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं होऊंगा। लेकिन फिर भी शरद पवार अध्यक्ष एनसीपी विपक्ष के प्रस्ताव को खारिज कर चुके हैं, मैं राष्ट्रपति की रेस में नहीं हूं। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं रेस में नहीं हूं। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गांधी, फारूक अब्दुल्ला पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर, ये सारे के सारे हैं। यशवंत सिन्हा पूर्व केंद्रीय मंत्री भी राष्ट्रपति बनने की रेस में हैं। इसके अलावा और कौन हो सकते हैं, शरद पवार हमने आपको बताया, लेकिन शरद पवार से सबसे पहले ममता बनर्जी ने मुलाकात की थी, उसके बाद विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश की थी, लेकिन शरद पवार ने मना कर दिया, नीतीश कुमार मना कर चुके हैं। तो अब आखिर होगा कौन, क्या फारूक अब्दुल्ला को विपक्ष अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश करेगा। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं, हमारे साथ पौलमी साहा हैं और हमारे साथ हिमांशु मिश्रा हैं। बहुत धन्यवाद पौलमी और हिमांशु आपका। पौलमी, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ममता बनर्जी ने जबरदस्त कोशिश की, सबसे पहले वो दिल्ली आई, विपक्ष के साथ बैठक की उन्होंने, क्या ममता बनर्जी विपक्ष और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो पौलमी साफ तौर पर यह कहा कि जो ममता कहेंगी वो मैं मानूंगा। बहुत धन्यवाद, स्वागत हिमांशु आपका भी, हिमांशु मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। पौलमी की है जो किस हद तक सफल होती है सईद, ये तो हमें बाद में ही पता चलेगा। जुलाई 18 को तो इलेक्शन होने, 21 तारीख को हमको पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। पर जो एक कोशिश उन्होंने की है एक तरह से अपने आप को टीम लीडर के तौर पे उभारने की, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसको एक तरह से जो खुद उनके शब्दों में कल उन्होंने जब ये ऑपोजिशन मीटिंग में अपने ओपनिंग रिमार्क्स दिए, खुद उन्होंने कहा कि दीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर अ प्रीलूड टू 2024। तो उनका मानना है कि एक तरह से आपने एक स्टेपिंग स्टोन ले लिया है 2024 की तरफ। शरद पवार अगर कैंडिडेट होने को राजी हो जाते, ये तो अब तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड जाकर ट्वीट कर बता दिया है कि मुझसे कहा गया था, सबने मुझसे आवेदन किया, पर मैं मैंने डिक्लाइन कर दिया, इस ऑफर को पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया, क्योंकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना चाहता हूं। तो शरद पवार को यूनानिमस सपोर्ट मिल जाता सभी का, सारे ऑपोजिशन पार्टीज का कहना है, ये बात डिस्कस भी हुई इंडिविजुअली, तो उनसे डिस्कस किया ही था डी राजा, सीताराम येचुरी और फिर ममता बनर्जी ने, पर उस मल्लिकार्जुन खड़गे ने डिस्कस किया था, आपके संजय सिंह ने डिस्कस किया था, पर फिर जब मीटिंग में बात दोबारा से औपचारिक तौर पर इस बात को उठाया गया तब उन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। फिर ममता बनर्जी ने दो नाम सामने रखे, गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला का। उमर अब्दुल्ला इस मीटिंग में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि इस तरह से नाम डिस्कस करना जब मेरे फादर यहाँ पर नहीं है इस मीटिंग में सही नहीं होगा, तो अब उनसे अलग से बात की जाएगी। फारूक अब्दुल्ला मानते हैं कि नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पर गोपाल कृष्ण गांधी का नाम पहले लेफ्ट का सुझाव था और फिर ममता बनर्जी ने भी इस सुझाव पर अपनी अपना जो एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल डाल दिया है, पर खुद गोपाल कृष्ण गांधी का कहना है कि जब तक इस पर कंसेंसस ना हो जाए, अगर मैं सबका यूनानिमस चॉइस हूँ तब शायद मैं इस बात पर आगे सोचने को तैयार हूं, पर अब तक मुझे नहीं पता कि मैं कंसेंसस कैंडिडेट हूं या नहीं।